डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एजुकेशन मिल। आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। अभी आप लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यानी मापन की जो है दशमिक पद्धति पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत आप लोगों ने 10 की जो है पॉजिटिव जो है पावर को पढ़ा और 10 की जो है निगेटिव पावर पढ़ा। यानी किसी भी यूनिट की जो है 10 की जो है पॉजिटिव पावर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और 10 की जो है निगेटिव पावर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी यूनिट को। इसको जो है आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा। तो अब हम लोग जो है इसके आगे क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान के मात्रक। जैसे द्रव्यमान के मात्रक में जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्या पढ़ेंगे, किलोमीटर पढ़ेंगे, मीटर पढ़ेंगे, सेंटीमीटर पढ़ेंगे, मिलीमीटर पढ़ेंगे, मिलीमीटर पढ़ेंगे, मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो जैसे देखिए, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसी तरह जो है 1 मीटर में जो है 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह जो है 1 मीटर में जो है 1 मीटर में 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ये सब आप बेसिक चीज़ें जानते हैं, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा यहाँ रिवाइज कर दे रहा हूँ। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। पिछली क्लास में बताया हूँ ना, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीरिया कुंतल मीट्रिक टन से सीढ़ी एक बदल लो। इस तरह से पिछली क्लास में बताया हूँ। तो वहाँ से देखिए, जब मीटर को मिलीमीटर चेंज करेंगे क्या आएगा? 1000 मिलीमीटर आएगा ना, यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में जो है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। मिली सेंटी। अब सेंटीमीटर को ऊपर वाले में जो है बदलना है, ऊपर वाले यूनिट बदलना है, यानी मिलीमीटर बदलना है। क्या होता है? नीचे वाली जो है यूनिट को ऊपर वाले यूनिट जो बदलेंगे क्या होता है? गुणा होता है ना। तो सेंटीमीटर जब मिलीमीटर बदलेंगे क्या होगा? गुणा होगा। अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर किस पोजीशन पर है? इकाई, दहाई, दहाई पोजीशन पर है। तो यानी 10 गुणा हो जाएगा, तो यानी 1 सेंटीमीटर कितना? 10 मिलीमीटर। ये सब जो है बेसिक चीज़ें हैं, जो पिछली क्लासों में बताया हूँ वहीं से ये सब है। तो ये सब जो है कहीं कहीं जब है आपके एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है, तो मैं यहाँ से आपके जो है बता दे रहा हूँ, ताकि जो है अगर आप वहाँ ऑप्शन आए तो कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं डाउट ना। अब चलिए देखिए, अब एक गज क्या बोलते हैं? यार्ड बोलते हैं। एक गज में कितना होता है? 3 फीट होता है। 3 फीट होता है एक गज में। 3 फीट होता है और 1 फीट में 12 इंच होता है। एक जो है फीट में 12 जो है इंच होता है। 12 इंच होता है, 1 फीट में 12 इंच होता है। और 1 इंच में जो है, एक इंच में 2.5 क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। और जो है एक फीट में 3.48 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर होता है, ध्यान दीजिए। 1 फीट में जो है 30.48 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं डाउट ना। जैसे देखिए कैसे आ रहा है, अब 1 फीट में 12 इंच होता है और 1 इंच में जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो 12
अब 1 फीट 12 इंच होता है ना, 12 इंच का जो है 2.5 सेंटीमीटर जो गुणा कर देंगे, चूँकि 1 फीट 12 इंच होता है ना, तो 1 फीट में कितने जो है सेंटीमीटर होगा, तो 1 फीट 12 इंच होता है और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर का जो है 12 इंच गुणा करेंगे क्या आएगा, यही आएगा ना इस तरह से। किसी कोई डाउट यहाँ तक? इसी तरह जो है 1 फीट में जो है 1 फीट में 0.3 क्या होता है, मीटर होता है, 0.3 मीटर। किसी को डाउट? यानी एक जो है फीट में 0.3 मीटर हो, तो इसको आप नोट करिए। यहाँ तक नोट हो गया? नोट हो गया तो आगे चल रहे हैं। जैसे एक मील में क्या होता है, 1600 मीटर होता है, या इसी को अगर किलोमीटर बदलेंगे क्या हो जाएगा, 1.6 किलोमीटर। इस तरह से एक मील में 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। तो यहाँ तक नोट हो गया? इसको नोट कर लिए? नोट करिए तो फिर हम आगे चलें। नोट हो गया ना? जैसे देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक जो है नॉटिकल मील या नाविक मील, एक नॉटिकल मील या इसी को नाविक मील भी कहते हैं, नाविक मील इक्वल टू क्या होता है, 1852 क्या 1852 मीटर 1852 मीटर एक जो है नॉटिकल मील या नाविक मील बराबर 1852 मीटर होता है। तो ये नॉटिकल मील क्या है, नॉटिकल मील या नाविक मील क्या है, जो पानी वाली जहाज जो चलती है, पानी वाली जहाज द्वारा जो चली गई दूरी है उसको किसमें नापते हैं, जो पानी वाली जो सीप होती है उसकी उसके द्वारा जो चली गई दूरी है उसको किसमें नापते हैं, नॉटिकल मील में या नाविक मील में। यानी यहाँ लिख सकते हैं पानी वाली जहाज द्वारा चली गई दूरी क्या है, ये नॉटिकल मील है या ये जो है नाविक मील है। किसी कोई डाउट? तो एक नॉटिकल मील या एक नाविक मील क्या होता है, 1852 मीटर होता है। तो इसको नोट करिए तो फिर आगे चलें। नोट हो गया तो आइए जो है इसके आगे चलिए। अब आइए जैसे कोशिका की त्रिज्या यानी सेल की जो रेडियस मापते हैं किसमें मापते हैं, कोशिका की त्रिज्या यानी सेल की रेडियस किसमें मापते हैं म्यू मतलब माइक्रोन, इसी को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। कोशिका की त्रिज्या को किसमें मापते हैं, माइक्रोन में या म्यू, इसको म्यू से जो है डिनोट करते हैं, इसको माइक्रोन कहते हैं, माइक्रोन को ही हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर भी कहते हैं। तो एक माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, 10^-6 माइक्रोमीटर। कोई डाउट यहाँ से? एक माइक्रोमीटर में
10 पावर, एक माइक्रोमीटर कितना होता है 10^-6 मीटर, ये पिछली क्लासों में बताया हूँ, कोई डाउट हो रहा है क्या? ये पिछली क्लासों में बताया हूँ ना। तो इसके आगे जैसे देखिए, अब मॉलिक्यूल्स यानी अणु को किस में मापते हैं हम लोग? नैनोमीटर में। मॉलिक्यूल्स 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 यानी अणु, अणु को जो त्रिज्या को मापते हैं, अणु की त्रिज्या को किसमें मापते हैं हम लोग? नैनोमीटर में। किसमें मापते हैं? नैनोमीटर में। और एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10^-9 मीटर। एक नैनोमीटर में 10^-9 मीटर, पिछली क्लास में बताया हूँ सब, किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। 10^-9 मीटर, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना? तो आइए जैसे और देखिए, अब एटम यानी परमाणु जो त्रिज्या मापते हैं, परमाणु की त्रिज्या किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। परमाणु त्रिज्या को हम लोग एंगस्ट्रॉम मापते हैं, अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10^-10 मीटर, ये पिछली क्लास में बताया हूँ। अब ध्यान दीजिए, ये जो एटम की जो रेडियस है, एटम की जो रेडियस है, कहीं कहीं किसी बुक जो है नैनोमीटर में भी दिया है, एटम की रेडियस को जो है नैनोमीटर में भी दिया है मापने के लिए। तो वो जो है कहीं कहीं कुछ इस तरह से बुकें हैं जहाँ एटम की रेडियस जो है नैनोमीटर में भी दिया है, लेकिन अपनी जो एनसीईआरटी चल रही है, नेशनल एनसीईआरटी चल रही है, उसमें जो है एटम की रेडियस जो है एंगस्ट्रॉम में ही दिया है। तो आप लोग जो है, आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आएगा वहाँ आप क्या मारेंगे? एंगस्ट्रॉम ही मारेंगे। अगर एंगस्ट्रॉम नहीं है तब जो है आप नैनोमीटर मारेंगे। ध्यान दीजिए, एटम की रेडियस को जो है एंगस्ट्रॉम में ही मापा जाता है, और एनसीईआरटी जो बुक है, नेशनल एनसीईआरटी जो अपनी बुक है, वो जो है एंगस्ट्रॉम में ही वो मानती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ बुकों में जो है वहाँ पर जो है नैनोमीटर भी दिया गया है। नैनोमीटर एक तरह से गलत होता है, लेकिन अगर एंगस्ट्रॉम नहीं है तो आप क्या करेंगे? नैनोमीटर भी मार देंगे। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, नैनोमीटर भी जानते रहिए, यहाँ पर नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? एक नैनोमीटर कितना मीटर होता है? 10^-9 मीटर, अभी मैं बताया हूँ यहाँ पर। और पिछली क्लास में नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम क्या होता है सब पढ़े हैं आप। तो यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद जो है आप क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस किस में मापते हैं? यानी न्यूक्लियस की रेडियस किस में मापते हैं उसको देखिए। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है उसको किस में मापते हैं? न्यूक्लियस यानी नाभिक की रेडियस यानी त्रिज्या को किस में मापा जाता है? फर्मी में। किस में मापते हैं? फर्मी में। अब एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है? 10^-15 मीटर। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10^-15 मीटर। तो यहाँ से किसी कोई डाउट नहीं? डाउट है ना। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? आप जानते हैं किसी यूनिट जो है निगेटिव पावर जितनी बड़ी होती है, किसी यूनिट की जो है 10 की निगेटिव पावर जितनी बड़ी होती है, वो जो है वैल्यू क्या होती है? उतनी ही छोटी होती है।
उतनी छोटी होती है। तो यहाँ से जैसे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कोशिका की त्रिज्या, कोशिका त्रिज्या जो है इसकी जो यूनिट, सॉरी कोशिका त्रिज्या किस में आते हैं, माइक्रोन में। माइक्रोन पर जो है 10^-6 जो है, एक माइक्रोन बराबर 10^-6 मीटर होता है ना, यानी इस पर जो है जो पावर है क्या है, कम है ना, इसका मतलब क्या है, बड़ी है। इसको अगर इसको इस तरह से लिखेंगे अगर, तो क्या कैसे लिखेंगे, कोशिका, कोशिका की त्रिज्या, कोशिका, कोशिका की त्रिज्या, और इसके आगे फिर क्या लिखेंगे, और नीचे लिख लीजिए, हो सकता है आप नोट नहीं किए हों पर ना, कोशिका की त्रिज्या, कोशिका की, कोशिका की त्रिज्या ग्रेटर देन, उसके बाद तब क्या होगा, यानी इससे तब छोटा कौन होगा, ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, सॉरी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद तब फिर क्या होगा, एटम, एटम, सब लास्ट छोटा कौन होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी नाभिक। न्यूक्लियस नाभिक क्यों, क्यों जैसे देखिए, कोशिका के जो है त्रिज्या किस में मापते हैं, माइक्रोन में। माइक्रोन क्या होगा, 10^, एक माइक्रोन कितना मीटर, 10^-6 मीटर। तो उसके बाद जो है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स किस में आते हैं, नैनोमीटर में। नैनोमीटर कितना होता है, 10^ जो है -9 मीटर, 10^-9 मीटर। अब जैसे उसके बाद तब क्या मापेंगे, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स किस में मापते हैं, नैनोमीटर, नैनोमीटर मींस, सॉरी मॉलिक्यूल हो गया ना वो, एटम, एटम किस में मापेंगे, एटम किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम कितना है, 10^-, एक एंगस्ट्रॉम कितना, 10^-10 मीटर। उसके बाद किसको मापेंगे, न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को किस में मापते हैं, फर्मी में। फर्मी मीन्स क्या, एक फर्मी कितना मीटर, 10^-15 मीटर। तो अब जैसे देखिए यहाँ पर, जिस पर जो है जितनी निगेटिव चार्ज, सॉरी जिस पर जो है जितनी निगेटिव पावर रहेगी, वो बॉडी जो है उतनी ही छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या, न्यूक्लियस जो है सब छोटा है, उसके बाद तब क्या है, तब उससे बड़ा कौन है, आपका एटम है, तब उसके बाद क्या है, मॉलिक्यूल्स है, उसके बाद क्या है, सेल है, कोशिका है। यानी सबसे बड़ी क्या है, सेल है, फिर क्या है, मॉलिक्यूल है, फिर क्या है, एटम है, फिर क्या है, न्यूक्लियस है। किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, डाउट ना, नोट करिए इसको, नोट हो गया, नोट करिए। आइए आगे देखिए, आगे अब देखिए, अब जो है प्रकाश की वेवलेंथ, प्रकाश की जो है वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी लैम्डा किसमें मापते हैं, प्रकाश की जो है वेवलेंथ को किसमें मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। किसमें मापेंगे, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में। अब एक एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है, 10^-10 क्या होता है, मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होता है। यहाँ किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। कोशिका के, सॉरी ये प्रकाश की वेवलेंथ को जो है एंगस्ट्रॉम हम लोग मापते हैं, 10^-10 मीटर, यानी एक एंगस्ट्रॉम में जो होता है 10^-10 मीटर होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं ना। और कहीं कहीं जो है इसको नैनोमीटर में भी दिया रहता है,
तो नैनोमीटर में अगर दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 10^-9 मीटर होगा तभी एक नैनोमीटर में। लेकिन जो है यही ऑप्शन सही है। यहाँ से किसी को डाउट नहीं है, कोई डाउट? नोट करिए, नोट हो गया। आइए जो है अब जो है दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश जो दिखाई देता है, प्रकाश दृश्य प्रकाश यानी उविकियोर, वियुब ग्योर यानी बैनिया फिलाना जिसको कहते हैं, इसकी जो रेंज होती है कहाँ कहाँ तक होती है इसको आइए देखिए। वीब ग्योर यही है ना, युब वीब ग्योर, वीब ग्योर यानी इसे क्या बोला जाता है, बैनिया पिनाला, इसे क्या बोलते हैं, बैनी बैनी आ पिनाला, बैनिया पिनाला, सॉरी बैनिया पिनाला, इसे क्या बोलते हैं, बैनिया बैनी आ पिनाला। तो यहाँ पर जो है इसकी रेंज क्या होती है, बैनी मतलब बैगनी, विस मतलब वायलेट मतलब बैगनी, आर्थ मतलब रेड, इसकी जो है यूविगोर जो होता है यानी दृश्य जो प्रकाश होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ होती है, और जो रेंज होती है किसमें होती है, नैनोमीटर में होती है। तो नैनोमीटर में तो कहाँ से होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, 300 जो है 90 नैनोमीटर, नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर, यह इसकी रेंज होती है। अब इसको जो है नैनोमीटर को जो है अगर एंगस्ट्रॉम बदलेंगे, अगर नैनोमीटर का अगर एंगस्ट्रॉम बदलेंगे तो क्या होगा, नैनोमीटर को अगर एंगस्ट्रॉम बदलेंगे तो क्या होगा, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम बदलेंगे तब क्या होगा, बताइए। पिछली क्लास में बताया हूं ना, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम बदलेंगे क्या होगा, एक नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होता है। कैसे होता है, जैसे देखिए अब यहां से मैं देख रहा हूं, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम बदलना है, एक नैनोमीटर में जिसको बदलना होता है उसको क्या करते हैं, जिसको बदलना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसमें बदलना होता है उसको नीचे लिखते हैं, मैं पिछली क्लास बताया हूँ। तो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम बदलना है तो एक नैनोमीटर कितना मीटर होता है, 10^-9 मीटर होता है, और किसमें बदलना है, एंगस्ट्रॉम में, एक एंगस्ट्रॉम कितना मीटर होता है, 10^-10 मीटर होता है, यही होता है ना, 10^-10 मीटर होता है, 10^ जो है -10 मीटर होता है। यहाँ से किसी कोई डाउट नहीं, डाउट है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर इसको जब ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 10^-9 ऊपर है ऑलरेडी, तो ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 10^ ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे माइनस जो है पावर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस पावर हो जाएगी, प्लस पावर। अब जो है बेस जब समान रहता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाते हैं। तो अब यहाँ क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, सॉरी एक जो है साइन जो है, एक साइन क्या है, प्लस एक माइनस है, साइन जब अपोजिट रहता है बड़ी वाली वैल्यू छोटी वैल्यू घटा देते हैं, और साइन किसका लिखते हैं, बड़ी वाली वैल्यू का। तो यहाँ 10^-9 घटाएँ क्या आएगा, एक आएगा, एक साथ जो साइन लिखेंगे किसका लिखेंगे, बड़ी वाली वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू साइन क्या है, प्लस है, यानी +1 आएगा, यानी कहने का सेंस यहाँ क्या आया, 10 आया। यानी एक नैनोमीटर में, सॉरी एक नैनोमीटर जब एंगस्ट्रॉम बदल रहे हैं, एक नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम बदल रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10। तो यानी इतना नैनोमीटर है, इसको एंगस्ट्रॉम जब बदलेंगे 10 गुणा कर देंगे, 10 जो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3900 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा।
इसी तरह जो है इसको जब एंगस्ट्रॉम बदलेंगे तो जब 10 गुणा कर देंगे नैनोमीटर को, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम बदल रहे हैं 10 गुणा कर देंगे तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7800 क्या हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। किसी को डाउट? ये सब पिछली क्लासों में बताया हूँ, क्यों आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो ये जो है दृश्य प्रकाश क्या है, रेंज है, यानी बैगनी कलर का जो है अगर नैनोमीटर देखेंगे तो 390 नैनोमीटर से, अगर एंगस्ट्रॉम देखेंगे तो 3900 जो है एंगस्ट्रॉम है, और रेड का जो है 700 जो है 80 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम देखें तो 7800 एंगस्ट्रॉम, इस तरह से है। किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है ना, नहीं डाउट है। नोट हो गया है? नोट हो गया। आइए अब जो है समुद्र की गहराई किस में मापते हैं, समुद्र की गहराई को, समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं, फैदोमीटर में, फैदोमीटर। अब इसी को जो है फैदम भी कहते हैं, फैदोमीटर को ही जो है फैदम भी बोलते हैं, यानी फैदोमीटर को ही जो है फैदम भी कहते हैं। बात समझ में आई? तो एक फैदम में कितना मीटर होता है, सॉरी एक फैदम में 6 फीट होता है, एक फैदम में 6 फीट होता है, यानी एक फैदम इक्वल टू क्या होगा 6 फीट, फैदोमीटर फैदम भी बोलते हैं, एक फैदम में 6 फीट होता है, यानी समुद्र की जो गहराई मापते हैं हम लोग किसमें, फैदोमीटर या फैदम में, एक फैदम 6 फीट होता है, इस तरह से। किसी कोई डाउट यहाँ तक? नहीं डाउट है। अब हम लोग क्या देखेंगे, सूर्य व पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य व, इसको नोट कर लिए होंगे ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कैसे मापते हैं, उसको हम लोग एओ मापते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इसमें मापते हैं एयू। एयू क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई। इसी क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी किस में मापते हैं? एयू में। एयू मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। तो एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होती है, ध्यान दीजिए यहाँ से, एक खगोलीय इकाई क्या होती है, एक खगोलीय जो इकाई होती है किसके बराबर होती है, ये होती है 1.5 गुणे 10^11 मीटर। एक खगोलीय इकाई कितने बराबर होती है, 1.5 × 10^11 मीटर। और इसको जो है अगर किलोमीटर बदलेंगे क्या हो जाएगा, 1.5 × 10^8 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। जब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 भाग दे देंगे ना, तो 1000 जब भाग देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10^11 है तो क्या हो जाएगा, 10^8 हो जाएगा, तो किलोमीटर में हो गया। यानी जो है एक खगोलीय इकाई यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है किसके इक्वल होती है, 1.5 × 10^11 मीटर। और इसी किलोमीटर जब बदलेंगे तो 1.5 × 10^8
किलोमीटर, इस तरह से है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नोट कर लिए कि नहीं आप सब? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो आप नोट कर लिए, नोट करिए, 10 सेकंड समय नोट करिए, नोट करिए, नोट हो गया। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।